नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मजेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल पालक की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगी। इसको आप चपाती पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, जैसे चाहे इसको खाएं, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने आधा कप चने की दाल ली है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया। ये चने की दाल आप देख सकते हो, ये आधा कप लेकर मैंने इसको अच्छे से 3-4 बार पानी से धोकर, और ये पानी जब तक क्लियर ना हो जाए हमने इसको वॉश करना है। और उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी में जो है इसको भिगो दिया है। अब मैंने इसको भिगो कर रख दिया है, इसको भिगोएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो जितनी देर हमारी दाल भीग रही है, ये मैंने पालक ली है, पालक मैंने जो है 400 ग्राम पालक ली है और पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। आप देख सकते हो पालक को काटने से पहले ही वॉश करेंगे और इसकी जितनी भी ये जड़ है इसको साइड से निकाल देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप देती हूँ, अगर आपके घर में जगह है और आप कुछ पालक लगा सकते हो तो इसको आप उगा सकते हो। बड़ी अच्छी पालक जो है 10 से 15 दिन में निकल कर आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो रूट्स है, तो इसको इस तरह से मिट्टी में आप दबा दीजिए तो आपकी जो पालक है बड़ी जल्दी निकल आएगी। तो आप देख सकते हो पालक के अंदर काफी सारी ये रूट्स निकलती हैं। अगर आपकी पालक भी रूट्स वाली है तो आप भी इसी तरह से इसको उगा सकते हो घर पे, इसको वेस्ट ना करें और इसको यूज कर लें। तो अब इस पालक को हमने हल्की हल्की जो है इसकी डंडियां जो है रख ली है और इसमें जितना भी घास फूस थी वो हमने निकाल ली है, जो येलो कलर के पीले पत्ते हों वो भी आप निकाल लें। और इस तरह से हमने इसको जो है बिल्कुल बारीक बारीक जो है इस तरह से चॉप कर लेना। तो लीजिए आप देख सकते हो कि पालक को मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा जो है चॉप कर लिया, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। अब हम सारे पालक को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। तो सारे पालक को मैंने इसके अंदर डाल दिया प्रेशर कुकर में और अब मैंने जो ये चने की दाल ली थी इसको भी 15 मिनट हो गए भीगे हुए, ये भी हम इसमें सारी में ऐड कर दूंगे। पानी हटा के इसको जितनी भी हमारी ये दाल है इसको सारी दाल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 400 ग्राम मैंने जो है पालक लिया और इसके साथ मैंने आधा कप चने की दाल ली है, तो ये इसके अंदर डाल लेते हैं। और अब जाएगा इसके अंदर पानी, तो 1 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/3 स्पून के करीब नमक, तो नॉर्मल नमक हम सिर्फ इसमें 1/3 स्पून ही डालेंगे, ज्यादा नमक हम इसमें ऐड अभी नहीं करना है। लिड लगा देंगे और इसमें 8 से 10 विसल्स आने देंगे, पहली 2 विसल्स तेज गैस पे, उसके बाद गैस को हल्का कर लेंगे और बाकी के विसल्स हल्के। अब मैं ले लूंगी कढ़ाई, गैस हमने नीचे से ऑन कर दिया, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो 2 बड़े चम्मच जो है हमने इसमें कुकिंग ऑयल के डाल देने, इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्चें और इसके साथ ही मैंने जो है 2 बड़े साइज के प्याज, 2 से 3 बड़े साइज के प्याज देखिए इस तरह से चॉप करके जो है वो डाल देंगे इसमें। विसल्स इसमें आ रहे हैं और 2 विसल्स आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया था और अब हल्के फ्लेम में जो है ये विसल्स आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से हमने इस तरह से हिला लेना है। इसके साथ ही इसमें 8 से 10 फ्लेक लहसुन की मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए वो डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसके साथ, तो गार्लिक इसमें जरूर डालें। 2 इसका टुकड़ा लेके मैंने इस तरह से जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया अदरक को, तो अदरक भी इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है, तो अदरक डाल देंगे इसके अंदर। अदरक आप जो है किसी भी तरीके से डाल सकते हो, मोटा चॉप कर सकते हो, पतला चॉप, बहुत ज्यादा बारीक इसको चॉप ना करें, बहुत ज्यादा बारीक जो है अदरक इसके अंदर नहीं छिड़कना, तो जिंजर जब भी इसको चॉप करें हल्का हल्का मोटा मोटा इसको रखें, बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप नहीं मोटा पसंद करते तब आप इसको बारीक काट सकते हैं। 1 हरी मिर्च ले लेंगे, वो डाल देंगे इसको, हरी मिर्च भी इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको हिला हिलाकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इस तरह से क्या होगा कि बराबर का गोल्डन ब्राउन सब जगह से होगा। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा कलर जो है इसके अंदर आने लगा है, ये देखिए हल्की हल्की ये पिंक हो गई है, तो लगातार इसको हिलाएंगे और इसको अभी थोड़ा सा पिंक और कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ज्यादा पिंक इसको नहीं करते हैं और अब इसके अंदर जाएंगे हमारे बाकी के मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, तो 1 चम्मच भर का धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, इसके साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/3 स्पून, नमक डालेंगे 1/3 स्पून, 1/3 स्पून हम नमक पहले डाल चुके हैं, 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाला है, तो कुल मिलाकर हम इसमें जो है टोटल 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। इसके साथ ही जाएगी इसमें डाल देगी मिर्च, जो कि इसको बड़ा बढ़िया सा कलर देगी, टेस्ट देगी, साथ में टेस्ट भी देगी। तो 1.5 स्पून हम इसमें लाल देगी मिर्च का डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। आप जितना कम ज्यादा स्पाइसी करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो और सॉल्ट भी आप जिस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो 3 जो है मैंने मीडियम साइज के टमाटर ले लिया और इस तरह से जो है छोटे छोटे मैंने चॉप कर लिया इसको, वो डाल देंगे इसमें। टमाटर जो लेंगे हमें बिल्कुल जो है सॉफ्ट वाले लेने और बिल्कुल रेड कलर के हमें टमाटर लेने हैं, उसी से जो है हमारा ये मसाला बढ़िया बनेगा, टेस्ट बढ़िया आएगा और कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा।
अच्छे से हमने इसको इस तरह से मैश कर लेना। मसाला हमने इस तरह से भून लिया और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 1/3 स्पून और ऐड कर रही हूँ नमक का और मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर हमने पानी नहीं ऐड करना है, अगर आप पानी ऐड करेंगे तो मसाले का जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज, टेक्सचर इसका चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको मोटा मोटा जो है मसाला रहने देंगे। बहुत ही जो है प्रेशर कुकर को हमने खोल दिया है और एक बार मैंने इसको पहले भी खोलकर देख लिया था तो आधा कप मैंने इसमें पानी और डाल दिया था। तो आप देख सकते हो कि दाल भी जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, इस तरह से दबाएंगे तो दाल सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छे से दाल जो है सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अभी हल्की सी ठंडी हम इसको कर लेते हैं और फिर इसको जो है हम चॉपर में डाल के इसको हल्का सा चॉप कर लेंगे। इसको हमने चॉपर में डालना है, मिक्सी में नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा जो है ये पिस जाएगी। तो लीजिए मसाला हमारा रेडी हो गया और मैंने पालक दाल को भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। इस तरह से आपके पास चॉपर ना हो तो आप हैंडी भी जो है घुमा सकते हो हल्की हल्की, तो हैंडी से भी हल्का हल्का जो है ये मैश हो जाएगा। सारे हमने दाल पालक इसके अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है इसको, हल्का सा मोटा मोटा रखेंगे। ये बहुत ही इस तरह से बढ़िया लगता है। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स और ये बहुत ही बढ़िया सा जो है इसमें अब फ्लेवर आएगा। इसको बॉईल कर लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच हम देसी घी के, और या फिर आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो। मैं जो इसमें बटर ऐड करूंगी तो मैं 2 पोर्शन में बटर को ऐड करूंगी। एक बड़ा टुकड़ा जो है मैंने इस तरह से काट के बटर का डाल दिया, तो इसके बाद मैं एक और डालूंगी। अभी इसमें मैं एक बॉईल आने देते हैं पहले। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हो और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इसमें सॉल्ट अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे जो हम आटा यूज करते हैं गेहूं का आटा, वो डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने 1 चम्मच जो है गेहूं का आटा लेके फटाफट से जल्दी जल्दी जो है हमने इस तरह से इसको हिला लेना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। आटे से क्या होगा, जितना भी पानी का कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा और ये अच्छे से जो है हमारी दाल पालक जो है अच्छे से बन जाएगी, इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा। तो इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है और मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है आटा और ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। इससे जो है हमारी दाल पालक थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और पानी भी जो है इसमें अलग नहीं होगा। आप प्लेट में डालोगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो रहा है और आपकी सब्जी जो है वो अलग रह रही है, तो ये अच्छे से घुल मिल जाएगी। इस स्टेज पे हमारी तो ये अच्छे से मैश हो गई है। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से और दोबारा मैश कर सकते हो। तो गैस का फ्लेम हल्का कर देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं, दाल पालक हमारी बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर और डाल देंगे और एक बार अच्छे से हिला लेंगे। बहुत ही यम्मी जो है ये दाल पालक बनती है। इसको पराठे के साथ खाएं, चाहे आप चपाती के साथ खाएं, चाहे दाल चावल के साथ खाएं, बहुत आपको टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर चैनल में न्यू है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंस्टाग्राम में फेसबुक में भी मेरा अकाउंट है, आप चाहें तो वहाँ पर भी वीडियोज़ जो है देख सकते हो। कई वीडियोज़ जो है, कई सारी वीडियोज़ मैंने उसमें डाली हुई हैं, आप अपनी मनचाही रेसिपी जो है देखकर उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी दाल पालक बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस लग रही है। आप देख सकते हो इसकी रंगत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अब हम सर्व करेंगे अपनी दाल पालक, तो कोई भी बोल ले लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है और डालेंगे अपनी दाल पालक। ये देखिए कितनी लग रही है डिलीशियस। ये अच्छे से घुली हुई हमारी ये दाल पालक है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो लीजिए बढ़िया से हमारी दाल पालक जो है तैयार हो गई है। अब इसको हम गार्निश करेंगे, तो हम डालेंगे अब इसके ऊपर अपना रोगन। तो रोगन जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी घी में जो है हम थोड़ा सा लाल देगी मिर्च डाल देंगे और इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे। आप बटर में भी जो है इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो। अच्छे से हमें इसमें अपना ये रोगन जो है लगा देना क्योंकि इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से अमूल बटर के साथ। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।